सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ तकनीकी कमी के कारण जो आपकी पोइम थी वो जो लास्ट स्टेंजा था उसमें रुकावट उत्पन्न हो गई थी। जो हमारी पहली वीडियो है उसमें कुछ अंश जो है अंतिम स्टेंजा का रह गया था, जिसे हम इस वीडियो में एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं अंतिम स्टेंजा को। तो हमने पढ़ा था कि जो वन है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं इस लास्ट स्टेंजा को एक बार फिर से देखेंगे। कवि जो है कह रहा है कि मैं बैठा हूँ, आई सिट इनसाइड द डोर्स, मैं बैठा हूँ दरवाजा, सिट इनसाइड अंदर बैठा हूँ, जो दरवाजा खुला हुआ है किसकी तरफ, बरेंडा की तरफ, और मैं अक्षरों में लिख रहा हूँ जिनमें मैं उल्लेख कर रहा हूँ किसका, डिपार्चर का, जो जाना है किसका, पेड़ों का, कहाँ पे, वनों की तरफ। इसके अलावा जो वन है वो जा रहे हैं घरों से, और रात जो है वो काफी ताजा है, नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स, पूरा चंद्रमा जो है वो चमक रहा है, इन ए स्काई स्टिल ओपन, और आसमान कैसा है, खुला हुआ है, कोई बादल नहीं है। इसके अलावा जो कवि है वो बता रहा है कि जब मैं बरेंडा में बैठा हूँ तो मेरे पास पहुंच रही है, मैं महसूस कर रहा हूँ इसको, जो खुशबू आ रही है किसकी, दुर्गंध आ रही है किसकी, काई की और पत्तियों की, और वो किसके समान है, एक आवाज के समान जो कमरे में पहुंच रही हो। कवि कह रहा है कि उस समय पे मेरे दिमाग में बहुत से विचार है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। कवि कह रहा है कि जिस समय डिपार्चर का उल्लेख कर रहा है, वनों से, वनों की तरफ पेड़ जा रहे हैं घरों से, उस समय पे मेरे दिमाग में बहुत से विचार है जो कल शांत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पेड़ जो है वनों को फिर से भर देंगे। इसके अलावा सुनो, ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच जो है वो टूट रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो पेड़ घरों में थे वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, घरों की खिड़कियों को तोड़ के, कांच को तोड़ के वनों की तरफ बढ़ रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो पेड़ है वो गिरते पड़ते बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, वन की तरफ, रात के समय, और उनसे मिलने के लिए विंड रश टू मीट देम, हवा जो है उनसे मिलने के लिए तेज चल रही है। आपको मालूम है कि पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, किसके बिना, हवा के बिना। इसके अलावा द मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, जो बादल है वो थोड़े बहुत गिरे हुए हैं इसके समान, चंद्रमा के समान, जिसके कारण जो मून है वो टूटा हुआ सा प्रतीत होता है, जिसके टुकड़े हमें दिखते हैं, और ये टुकड़े ऐसे लगते हैं जो जड़े हो, किसमें, क्राउन में या ताज में, किसके ताज में, जो लंबा बरगद का पेड़ है उसके ताज में जड़े हो, ऐसा प्रतीत होता है क्या, चंद्रमा। यहाँ पे आके आपकी जो पोएम है द ट्रीज वो समाप्त हो जाती है। इस पोएम से हमें संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है, पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन पेड़ों को भी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम पेड़ों के महत्व को समझें, उन्हें सुरक्षित रखें, प्रिजर्व रखें। आप सबसे भी अनुरोध है कि आप पेड़ों के महत्व को दूसरों को भी बताएं, अपने जन्मदिन इत्यादि पे फिजूल खर्च करने की बजाय एक पेड़ जरूर लगाएं जो आपके जन्म का प्रतीक होगा। इन्हीं विचारों के साथ जो आपकी 10वीं कक्षा की पोएम थी द ट्रीज वो समाप्त हो जाती है। तकनीकी समस्या के कारण जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे ताकि हम भविष्य में उनमें सुधार कर सकें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।